तो यार हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार पिछले वीडियो में पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गया था, टिंट आ गया था ब्लूइश टिंट, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और अभी मैं निकला हूँ कुछ काम से, अभी जा रहा हूँ मैं ट्राम स्टॉप, ठीक है। ट्राम स्टॉप से जाना है बस स्टॉप, एक टूर का प्लानिंग चल रहा है तो वहीं जा रहा हूँ अभी टिकट बुक करने। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ दो लोग और हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को वीडियो के मतलब इस वीडियो के बाद पता चलेगा, या इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ ट्राम स्टॉप, जस्ट 5 मिनट की दूरी पर ही है, मैं अभी निकल गया हूँ होटल से रेडी होके पूरा। और भाई आज क्योंकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है, धूप निकला हुआ है और आज -3 है टेम्परेचर, तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। तो अभी जाता हूँ मैं ट्राम स्टॉप, वहाँ देखूँगा ट्राम का वेट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा वक्जाल रशियन में होता है बस स्टॉप, ठीक है। तो अभी ट्रेन तो सारी बंद है, तो बस स्टॉप जाते हैं, वहाँ टिकट पता करते हैं और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। यार तो मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर, मतलब बस स्टॉप थोड़े दूर पर है। और एक चीज़ है यार, अगर आप लोग यूक्रेन में रहते हो तो आप लोगों को चलने की बहुत आदत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है सबको। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, ठीक है, और मास्क वास्क सारा चीज़ है। तो यहाँ पर जो है वो वापस लॉकडाउन लगने वाला है 8 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक, ऐसा न्यूज़ आया है। तो ऐसा नहीं है कि मास्क वास्क नहीं लगाते, यहाँ पर भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन सब कुछ करके चलते हैं, और मास्क भी लगाया था मैंने, बट अभी मैंने निकाला हुआ है क्योंकि बोलते नहीं बनता है और साउंड भी क्लियर नहीं आता है। तो अभी आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ यहाँ का, आगे का। आप लोग अगर यूक्रेन में है, आपका अगर फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग यूक्रेन में जो है कहीं भी जाने के लिए आप लोग बस का जो टिकट है वो कैसे बुक कर सकते हो। तो अभी चलते हैं बस स्टॉप, अंदर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि बाहर बहुत आवाज़ चलती है तो साउंड भी क्लियर नहीं आएगा, तो अंदर मिलता हूँ आप लोगों से। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ का जो बस स्टॉप है, यहाँ का एंट्रेंस है ये, और ऊपर आप लोग देख सकते हो, ऊपर एक आप लोगों को बस लगी हुई दिखेगी। तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जैसे बसेस के जो ट्रैवल्स एजेंसी हैं उनके ऑफिस रहते हैं। तो अंदर अभी चलता हूँ, अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाहर शॉप्स हैं, आप लोग बस से उतरते ही कॉफ़ी है और कुछ खाने पीने के यहाँ पर शॉप्स हैं, और यहाँ पर पिज़्ज़ा डे भी है, ये अच्छा मिलता है पिज़्ज़ा डे पे, मैंने एक बार खाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग जैसे इंडिया में रहते हैं वैसे ही शॉप्स हैं, हर जगह वैसे ही शॉप्स हैं, इधर भी हैं। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, अभी अंदर चलता हूँ, अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि लाइन लगी हुई है, और ये जो है ऐसे बस के और ट्रेवल्स के जो भी हैं ऑफिस ऐसे रहते हैं, तो ऐसे टिकट्स बुक होते हैं यहाँ पर। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो है यूक्रेन में ऐसे प्लेटफॉर्म नंबर लिखे रहते हैं, तो प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 यहाँ पर है, और आप आगे देखोगे तो 5, 6, 7 उधर है, उसके बाद 1 और 2 प्लेटफॉर्म यहाँ है। तो अभी ऊपर भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं बसेज के, तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके आप लोगों को दिखाऊँगा। भाई लोग, तो मैं अभी अंदर आ गया हूँ बस स्टॉप के, और आगे भी एक और वो है ऑफिस है बस का, तो वहाँ मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि टिकट बुकिंग आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। आप आओ, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ का, आप जिस जगह जाना है आप नाम बताओ, और वो आपको बसेस की टाइमिंग बता देंगे और प्राइस बता देंगे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ तो यार अभी मैं अपने रूम से निकल गया हूँ हॉस्टल से, और कल का कुछ स्टोरी था, ठीक है। हम लोग जब गए थे वहाँ बस की टिकट्स बुक कराने, तो कुछ सीन हो गया था, और अभी हम लोग मतलब हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग का जाने का प्लान है, और आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो मैं रूम से निकल गया हूँ, हमारी 12 बजे की ट्रेन है, हम लोगों ने ट्रेन कराया है, और इसके पीछे सब क्या स्टोरी है मैं पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ स्टेशन, उसके बाद मैं आपको वहाँ बताऊँगा। तो अभी चलिए चलते हैं, आपसे सीधे मैं मिलता हूँ स्टेशन पे। हाँ तो यार अभी मैं आ गया हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि निप्रो के रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। और कल का क्या सीन हुआ था, एक्चुअली जब हम लोग बस स्टॉप गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी ऑफिस रहते हैं ट्रैवल एजेंसीज,
तो सारों से हमने टिकट का पता किया, बट होता क्या है ना यहाँ पर, जैसे इमरजेंसी में टिकट चाहिए हो तो टिकट्स मिलते नहीं हैं। तो हम लोग के साथ यही हुआ कि हम लोग जो है वो टिकट्स बुक करने गए थे, बट हम लोग को टिकट मिला नहीं। तो उस समय जो है वो थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने वैसे हम लोगों को पता था कि ट्रेन जो है वो बंद है, बट हम लोगों ने सोचा कि एक बार रेलवे स्टेशन जाके पता कर लेते हैं कि शायद कहीं हम लोग को टिकट्स मिल जाए। तो किस्मत से हम लोगों को रेलवे स्टेशन आए, हम लोग पता किए जहाँ हमें जाना है, तो वहाँ का हम लोगों को टिकट मिल गया। और मेरे साथ पीछे अभी चार लोग और हैं, एक सीनियर भैया हैं और जूनियर्स हैं, तो हम लोग जा रहे हैं ऐसे, आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जो कल हुआ था ये यही सीन हुआ था, और कल मूड ख़राब हो गया था उसके बाद, तो मैं ये वाला जो ब्लॉग है ये आज हम लोग जा रहे हैं। और हमारी 12 बजे की ट्रेन है, अभी हो रहा है 11:35 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ का जो बस स्टॉप है वो तो देख ही लिया, मैं आप लोगों को यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। जस्ट मेरे पीछे है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ का आप लोग सिनेमैटिक शॉट इंजॉय करो, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से एंट्री किया है, और हम लोगों ने बोगी किया था पूरा एक, हम लोग चार लोग हैं तो प्राइवेसी अपना चार बंदों में बहुत ही बढ़िया रहता है। और यहाँ का देख लीजिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। और चलिए फिर हम अपने पे कोच, हमारे जो सीट्स हैं वो है 25, 26, 27 और 28, तो हम लोग चार लोग हैं। ये है अपना भाई उबैद, इमरान भैया और साहिल, तो हम लोग चार लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को आगे बताता हूँ। बैठ चुके हैं और यहाँ की जो ट्रेन है आप लोगों को मैं बताता हूँ, इंडिया का जो सीन है कि आधे घंटे लेट है, एक घंटे लेट है, यहाँ ऐसा सीन नहीं है। अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, हमारी 11:58 में ट्रेन थी, और आप ये देख लो 11:58 दिख नहीं रहा है, करेक्ट टाइमिंग पे ट्रेन रहती है। तो जो लोग यूक्रेन में रहते हैं, फर्स्ट टाइम है, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूँगा, अगर आपकी ट्रेन है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप लोग लेट होते हो तो भैया फिर दूसरी ट्रेन करके जाना पड़ेगा या फिर टैक्सी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, टैक्सी बहुत महंगी है, तो टाइम पे पहुंचो स्टेशन, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरी भी ट्रेन छूटी हुई, मैं उसकी कहानी फिर कभी आराम से बैठ के बताऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ी देर में आपको इमरान भैया कुछ बताएंगे। हाँ भैया बताइए, यहाँ पे सिस्टम है इंडिया की तरह नहीं है कि आप टॉयलेट ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे, टॉयलेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, यहाँ पे मतलब सिटी से 5 मिनट बाद ट्रेन निकलने के बाद टॉयलेट वगैरह खुलते हैं, सब कुछ खुलेगी तो तब आप जा सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन खड़ी है, रुकी है, जा रहे हो, गंदगी कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं जा सकते, सिटी के बाहर निकलेगी 5 मिनट 6-10 मिनट बाद, तब ये सब खोल देंगे, आपको बोलने आएगी बाकायदा यहाँ पे, तो आराम से जा सकते हो। तो ये सिस्टम है, ये यूरोपियन सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम सही है, बहुत सही है, वही रख देते हैं। इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया बताओ। तो यार अभी हम लोग आराम से सारे बैठे हुए हैं और बातचीत चलेगी, अभी दोनों चार लोग रहते हैं खासकर लड़के, तो मस्ती चलती है। और अभी आप लोगों को जो इमरान भैया ने बताया वो ऐसा सिस्टम है भैया यहाँ का, ठीक है। और देखते हैं अभी रास्ते में, तो कुछ अगर रात है वैसे तो दिखेगा नहीं, क्या बॉन्टी जिसको खाना है ले लो भैया, हम तो खाते नहीं। नहीं, तो आप लोगों को अगर रास्ते में कुछ होता है तो फिर आप लोगों को बात बताता हूँ। और कुछ याद आ गया इन द सेंस के जर्नी में बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, तो अगर कुछ बात याद आई तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करता हूँ, वरना फिर रास्ते में अगर कुछ सीन दिखा तो वो दिखाऊंगा, और अगर ये सब नहीं हुआ तो सीधा आपसे सुबह मिलता हूँ, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को मैं ये बताने वाला था, मैंने बोला था लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कीव जा रहे हैं, और अभी भाई लोग अपना सीरीज़ देख रहे हैं ऊपर, हम लोग थोड़ा कुछ ऐसे काम ऐसे चल रहा है, अपने अपने सब लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करिए। कीव पहुँचते हैं, वहाँ से आप लोगों को नया व्लॉग कीव दिखाएंगे। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।